शोएब भाई, शमी ने एक बार और पंजा खोल दिया 55 रन पर। आप पिछली बार कह रहे थे 50 रन पर ऑल आउट किया, बॉल ज्यादा थोड़ी सी इधर उधर कर रही होगी इसलिए सिराज विकेट ले गया। मुझे तो लगता है श्रीलंका के नाम से श्री हटा देना चाहिए क्योंकि इन्होंने रेस्पेक्ट खो दिया लगातार दूसरी बार। नहीं, पहली बात तो यार मुझे शामी के लिए अफसोस हुआ, 5 for 5 नहीं हो सके जी। वो यार मुझे बड़ा ख्वाहिश थी कि वो 5 for 5 करें। वो 5 for 5 मैं कह रहा हूँ, राज कौन है ये, राज था कौन है ये, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ खास चौके मारी जा रहा बेचारे के एनालिसिस खराब कर रहे हैं यार। 5 for 5 वुड हैव बीन अ ग्रेट ग्रेट कमबैक। मैं शामी के लिए यही बोलूंगा यार, यार हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, और आपने हिंदुस्तान के लिए वो करके दिखाया जो आपसे मांगा जा रहा था। और आपने ये जो पिछले कुछ अरसा आपने गुजारा है, फाइनेंशियली हो, आपका आपका पर्सनल हो, कोई भी हो, आपका जो जिंदगी अभी गुजरी है, आपको पता है, वो हम डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन व्हाट अ कमबैक फ्रॉम दिस गाय यार। एंड हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट यार, जिन्होंने शामी को लाया, खिलाया और फिर मेक श्योर कराया कि वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। और व्हाट अ ग्रेट आंसर टू हिज क्रिटिक्स, व्हाट अ ग्रेट आंसर्स टू पीपल हु हेटेड हिम, व्हाट अ ग्रेट आंसर्स टू पीपल हु रिजेक्टेड हिम इन हिज लाइफ। हाँ, जो रिजेक्ट किया, जिन्होंने इसको जिंदगी से निकाला, और जिस तरह इसने सफर किया मॉरली, फाइनेंशियली, फिजिकली, जो भी है यार, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, रियली हैप्पी फॉर हिम। और मैंने 150 कहा था, मैंने आकाश भाई को बोला भी था, आकाश भाई आप फिक्र मत करें, आपके 400 नहीं हुए, हम 50 रन आपके यहाँ से ऐड करवा देंगे। लेकिन उन्होंने बाकी 50 रन समझ लिए, श्रीलंका ने कहा हमने 50 भी आउट होकर दिखाना है। तो श्रीलंका तो अल्लाह तौबा माशाल्लाह यार, ये तो हमसे भी दो हाथ आगे निकले भाई। भाई पाकिस्तान ने इसी टीम के सामने 350 रन गाए थे, हमें तो मतलब आकाश भाई इस बात को कह रहे थे, ट्रोल कर रहे थे आकाश भाई इस बात को लेकर। यार मैं तो आवाज नहीं आ रही आपकी, मैंने नहीं सुना मुझे आवाज नहीं आ रही यार, तुम्हारा तो ट्रबल है, प्रॉब्लम है तो अच्छा। बट यार क्या बात है, आई मीन हिंदुस्तान की क्या बात, क्या बात, आई मीन चेरी ऑन केक, एंड क्या बात है यार, जीतते भी जा रहे हो, मारते भी जा रहे हो, घसीटते भी जा रहे हो, और साथ साथ ये भी बताते जा रहे हो भाई जी हटो बचो पीछे हटो के वांकटे है, वांकटे में मैच होने नहीं चाहिए। मैं पहली बात कह रहा हूँ वांकटे आपका पता नहीं, इसमें आपने कोई लिखाया वो तावीज करवाए हैं आपने, यहाँ पे जो भी टीम आपके अगेंस्ट आती है, आप अभी मैच से पहले बोल रहे थे यहाँ इंडिया हारा काम, हारा ज्यादा जीता काम है जी, मेरा नहीं ख्याल भाई लोगों यहाँ पे ऐसा वैसा होने वाला है। बट यार आई थिंक हिंदुस्तान इज लाइक लुकिंग अ वेरी वेरी लीथल टीम नाउ, वेरी लीथल। इस टूर्नामेंट में पता नहीं, बात की बातें तो नहीं, रैंकिंग की बातें बाद में करेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में इनका कोई मैच इस वक्त नहीं है भाई लोगों, नहीं भाई, मतलब 227 पर ऑल आउट होती है टीम इंडिया तो 100 रन से मैच जीतती है, 357 अगर बनाते हैं तो 302 रन से मैच जीतते हैं, मतलब ये टीम इंडिया जो है अब आपको ये सिर्फ हराती नहीं है, दफा 302 लगा दफा लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया बिल्कुल नेस्तनाबूत करके चल रही है, आप यहां पर आप श्रीलंका की बैटिंग से मतलब देखकर थोड़े आश्चर्यचकित हो, या फिर आपको लग रहा है कि इंडिया की बॉलिंग खास तौर पर अंडर लाइट्स एक अलग ही कमाल दिखाया है? नहीं, एब्सोल्युटली कमाल दिखाया यार, आई मीन जो ये तो श्रीलंका को किया है, श्रीलंका को दो बार कर दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता फ्लूक है, ये भी नहीं कह सकते सिर्फ वानखेड़े की पिच है, क्योंकि ये तो कोलंबो में भी करके दिखाया था जी। उसके बाद अभी पिछले मैच में आपने लखनऊ में इंग्लैंड को धूल चटाई थी। सी ये जो फास्ट बोलिंग का जो यूनिट है, ओके लेट मी से दिस, कि इससे पहले इससे बेहतर बोलिंग यूनिट वो भारत के वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मतलब 2011 में भी जीते थे हम, 1983 में भी जीते थे, पर ये जो बोलिंग यूनिट है ना, और खास तौर से ये यूनिट तब पूरा हुआ जब शामी आए। अब क्रिकेट शो पे तो हम वो पहले दिन से कह रहे हैं कि रख लो रख लो, कोई सुन नहीं रहा था, फिर एक इंजरी होती है, इंजरी टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर वो श्रेयस अय्यर को इंजरी नहीं होती ना, तो केएल राहुल पाकिस्तान के खिलाफ खेलते भी नहीं थे, खेले थे 100 बनाया था, नाउ रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। अगर ये हार्दिक इंजर्ड नहीं होते तो हम शमी को भी खेलते नहीं देखते, हम जितना मर्जी बोलते रहते हैं टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह, लेकिन जैसे ही खेले 5, 4 और 5, आई मीन 14 मैच खेला ये लड़का वर्ल्ड कप का, 45 विकेट चटका चुका है, हाईएस्ट विकेट टेकर
और सबसे कम मुकाबलों में। सेकंड जो बेस्ट है वो शायद 44 विकेटों पर 40 या 44 जो भी विकेट्स हैं, इनसे डबल मैच खेले हुए हैं यार जी। तो मतलब दिस इज अनरियल स्टैट्स। अब तो मतलब मजबूर कर रहे हैं कि सर प्लीज हाथ जोड़ के आपके सबसे विनती है, हम भी करेंगे, हम भी एक्चुअली वो की करना है, हमको सच्ची में करना है कि ना बोलर्स को सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना वो सेलिब्रेशन ना अभी भी नहीं हो रहा है। अगर आप भारत के मैच देखने जाओ तो कहते हैं 90% जो जर्सियां होती हैं उसके पीछे या तो नंबर 18 लिखा होता है 45 लिखा होता है। भाई साहब इसके पीछे ना वो बोलर्स का नंबर, बोलर जसप्रीत बुमराह की जर्सी का नंबर क्या है शायद नहीं पता हो किसी को, शमी के पीछे क्या लिखा है किसी को आइडिया ही नहीं है, मतलब मुझे भी नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट, पुट माय हैंड अप, क्योंकि हम उतना सेलिब्रेट ही नहीं करते, इतना टीवी पे दिखता ही नहीं है बंदा यार। जब आप जब ये काम कर रहे हो तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि आप ना जेनरेशनल चेंज आ रहा है यहाँ पे कि आप फास्ट बैटर की बात करते हो, अब आप कहते हो यार मुझे ना फास्ट बोलर बनना है, ऐसा बनना है यार, मुझे बुमराह शामी सिराज जैसा बनना है। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टाइम फॉर इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल, और शोएब भाई यहां जिस तरीके की इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है, तीनों पेसर्स अंगार उगल रहे थे, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया किसने किया? मतलब शमी के 5 विकेट आए, बट क्या बुमराह और सिराज को आप किसी तरह से कम आंकोगे? यार पहली बात तो आकाश भाई को छुट्टी दे दो, आज बॉलर्स डे है तो इनको जाने दो, बैटिंग के बारे में बात क्या करनी है। यार वैसे आकाश ने बड़ा अच्छा पॉइंट यार रेज किया। आई मीन वेरी ऑनेस्टली आई मीन लाइक ही इज द स्मार्टेस्ट गाय दैट आई हैव नोन। आकाश ही गिव्स यू एनालिसिस, थोड़ा सा ना एक वाइडर हराइजन देता है, और ये बिल्कुल ठीक कहा उसने यार कि अब वो टाइम आ गया, आप सेलिब्रेट करो यार जी। ये बात ठीक है, ये ट्रांजेक्शन जो आपने की है पिछले 10 सालों में, जो ट्रांजैक्शन आपने की थी, अब जो कैश आउट करने का टाइम आ गया। और ये माना नहीं जाता था कि हिंदुस्तान बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, और स्पेशली इस वर्ल्ड कप में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि शायद ये बॉलिंग साइड ऐसी होगी विद द स्पिनर्स। सो आई रियली होप कि आप इसी बॉलिंग साइड के साथ आप ये वर्ल्ड कप जीतो, लेकिन ये बात ठीक है यार, यू नीड टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर ऑन फास्ट बॉलर्स। आई थिंक दिस इज, आपको मजा आया आज के यार 350 रन भी किए थे, लेकिन जो मजा हर बॉल पे छलांगे मारने का आ रहा था ग्राउंड को, मेरे ख्याल में वो कभी मैंने देखा नहीं जी। हर बंदा बुमराह के पीछे शोर डाल रहा है, हर बंदा शामी के पीछे शोर डाल रहा है, सिराज खुल के बॉलिंग कर रहा है। टेक्निकल बात बताऊं, दोनों ही खुल के भाग रहे थे जी। और ये इजाजत किसने दी? बुमराह ने। बुमराह ने इजाजत दी कि यार देखो मैं तो इतना लीथल हूं कि मैं तो हिलने नहीं दूंगा। जो ही इनके रिदम वापस आए हैं सिराज के, आपने देख लिए हैं बॉल सीम होते हुए, शामी के आपने बॉल देख रहे हैं, आज इन दोनों की रनअप स्पीड देख लो, आप खुद कंपैरिजन में चले जाओ, रनअप स्पीड देख लो दोनों की, कितना खुल के भाग रहे हैं जी। और कितना परमिशन के साथ भाग रहे हैं, बॉडी जाज भी दे रही है। आई वॉज लिटल सरप्राइज के 6 विकेट के लिए शामी को ओवर नहीं कराया गया, आई एम लिटल सरप्राइज, मैं होता तो लड़ पड़ता तो बट यू नो अगेन दिस इज लाइक ये ट्रांजिशन जो आपकी आई है, आई थिंक नाउ इन टाइम्स टू कम अगर यही आपकी ट्रांजिशन आपकी वन टेस्ट क्रिकेट में भी आ जाती है और इस तरह आप बाहर जाके जीतना शुरू हो जाते हैं फास्ट बॉलर के साथ, यार बाकी पीछे रह गया, बैट्समैन आपके दुनिया के वर्ल्ड क्लास हैं, अगर बॉलर भी आपके वर्ल्ड क्लास हो जाएंगे, फील्डिंग आपकी वैसे ही बेहतर है, पैसे आप सब ज्यादा वैसे ही देते हो पूरी दुनिया में, तो फिर बाकी आप ही अकेले अकेले खेल लो, हमें फिर छोड़ो, फिर खुद ही खेल लिया करो, आईपीएल कर लो, आईपीएल पार्ट टू भी बना लो, अपना ही कर लो भाई। भाई लास्ट टाइम जब हार्दिक पांड्या ने ये स्टेटमेंट दिया था ना कि हमारी टीम इंडिया 3-4 टीमें बना सकती है, तो हम पर थोड़ा भारी पड़ गया था क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट हम हारे थे, लेकिन नहीं यार खेले बहुत अच्छा यार, नहीं खेले बहुत, मैं तुम्हें सच बताऊं 350 भी क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडियन बैटिंग पे। हाँ ये मैं मानता हूँ आज की क्रिकेट थोड़ी सी आसान है, दायरे हैं, प्लान है, डमकान है, समझ गया मैं, क्रिटिसिज्म इस पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है यार कि 400 क्यों हुआ यार, ये 300 क्यों मिस हो गए। लेकिन जो अच्छी बात है ना यार, आपकी बैटिंग तो है ही है ना, बैटिंग फ्रेंडली ईरा तो है ही है, मान लिया 10 साल से, बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल एरा है यार जी। इस बॉलिंग एरा में अगर कोई परफॉर्म करे, कोई 3 की एवरेज से इकोनॉमी रेट सेटल करे, और शामी जैसा 3 मैचेस में 13-14 आउट करे, 15 आउट करे, 45 आउट करे 14 मैचेस में, यार ये थोड़ा अनहर्ड ऑफ काइंड ऑफ थिंग है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जो शामी कर रहा है, सिराज कर रहा है या बुमराह कर रहा है, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। मैंने आज के क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंसेज बॉलर की तरफ से बहुत कम देखी है। स्टाइन ने आउट किए, 5 आउट किए, बिल्कुल किए, लेकिन शामी कंसिस्टेंटली पीछे पड़ गया है लोगों के, अब वो बिल्कुल मथे लग गया है बंदों के कि मैंने नहीं छोड़ना, तो वो मैंने नहीं छोड़ने वाले काम जो है ना वो, आई थिंक इसका बैकग्राउंड अगर आप चेक करें, शामी के पिछले 2-3-4 साल जो टफ गुजरे हैं
वो फैमिली वाइज हो, फाइनेंशियल हो, टीम से हो, फिटनेस से हो, यार वो सारा रिप्लाई था आज का, वो सारा गुस्सा वो इसलिए बैठ गया आज ग्राउंड में कि बस उसकी बस हो गई थी, मेंटली भी बस हो गई थी उसकी। लेकिन वो जो रिवॉर्ड आज अल्लाह ने दिया उसको, यार इस रिवॉर्ड का वो मुस्तहिक है, वो उसको आज मुझे दिल से खुशी हुई कि यार आई एम रियली हैप्पी कि चलो यार हिंदुस्तान के लिए उसने जोर लगाया, अपने मुल्क के लिए जोर लगाया और उसने फाइनली वो रिवॉर्ड मिला जो जिसका वो हकदार था। तो मैं रियली रियली टच्ड बाय हिज परफॉर्मेंस टुडे। जी बिल्कुल। अब आकाश भाई, सिराज जिस तरीके से कमबैक करके गए, 7 ओवर 16 रन और 3 विकेट जो निकली है उनकी, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे रंग में नहीं है। अच्छा आपने कहा था नई बॉल शमी को देना, लेकिन फिर आज सिराज को दी, बट ही डिडंट डिसअपॉइंट। ही डिडंट एक्चुअली। और हमने ये भी चर्चा की थी कि क्यों दे रहा है कप्तान, कप्तान क्योंकि यही बात थी कि सिराज को अभी भी देगा क्योंकि वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ये खिलाड़ी बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, खिलाड़ी को खराब करना ना ऐसे करके कप्तान खराब कर सकता है कि आपने कब उसको कौन सा ओवर दिया, नहीं दिया, कब बैटिंग आई, कितनी जल्दी ड्रॉप किया, कितने दिन साथ में रखा, ये ना ऐसी चीजें होती हैं जो क्रिकेट खेलता है और या जिसके ऊपर बीतती है उसको तो बड़ी अच्छी तरीके से पता होता है कि भाई मेरे को कप्तान ने कहां पे मदद की और कहां मुझे मदद चाहिए थी। तो सिराज ये बात भूलेगा नहीं क्योंकि सिराज तो अच्छी बोलिंग नहीं कर रहा था जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ, अच्छी नहीं कर रहा। और हम सब बैठ रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा मतलब सुनाई नहीं देता? सब सुनाई देता है कि शामी बाहर बैठा है, शामी को खिलाओ, सब लोग बोल रहे हैं उसको। रोहित को भी पता है कि शामी बेहतर गेंदबाज है, पर पैकिंग ऑर्डर में इस समय मोहम्मद सिराज बेहतर थे, नंबर वन पे थे, वो अभी एशिया कप का फाइनल जिता के आए आपको 6 विकेट लेकर। तो कप्तान ने डिसाइड कर रखा था देखो ऐसा है जितनी देर तक मैं इनका साथ दे सकता हूं उतनी देर तक मैं इनके साथ रहने वाला हूं और इतना ही फर्क होता है। सी आज अगर आप ये पलट देते, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आज ही पलट देते कि यार आज ना मेरा अब मेरा इसके साथ पेशेंस खत्म हो गया, अब मैं दूसरे राह पे चले जाता हूं, तो सिराज वापस नहीं आते। तो फिर ये होता कि यार अब दूसरी तरफ देखो क्योंकि सिराज अच्छा नहीं डाल रहे और हम ये चर्चा नहीं करते। तो इसी वजह से छोटी सी चीज होती है और वहां पे कप्तान की मैं तो बहुत तारीफ करूंगा, चाहे वो रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी ये काम करते थे, क्योंकि थोड़ा सा ना विजन बड़ा होना चाहिए, कप्तान के पास विजन होना चाहिए। बाकी सबका ठीक है, डेली परफॉर्मेंस के हिसाब से हम आपस में बैठ के गप्पे मार लेंगे, लेकिन कप्तान के पास विजन होना चाहिए कि मुझे किससे क्या चाहिए और क्या मिल सकता है। आज सिराज ने तो डिसअपॉइंट नहीं किया, श्रीलंका उनके जहन में रहती है, मतलब श्रीलंका के जहन में वो रहते हैं। आई मीन वो बॉल हाथ में पकड़ते श्रीलंका वाले आधे आउट हो जाते हैं वैसे। तो सच बात है 9 विकेट चटका दिए, मतलब 10 ओवर नहीं डाले टोटल, तो बुरे हाल है सामने वाली टीम के। पर वो गेंद थमाना और फिर वो जो रिदम में आना, नाउ ही इज अनस्टॉपेबल, शामी इज अनस्टॉपेबल, इंजरी एक बार फिर वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज के रूप में आ चुकी है और बुमराह भी अनस्टॉपेबल। और सिराज ने तो सोच लिया होगा भाई आज श्रीलंका है, आज भाई डालेगा, आज ये टीम मुझे देखी देखी। लेकिन ये श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 105 रन पर 20 विकेट गिरवा चुकी है अपने लास्ट 2 मैचेस में। लेकिन शोएब भाई के पास चलते हैं। शोएब भाई थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन जिस तरीके से आकाश भाई ने ये बात कही थी, आकाश भाई ने कहा कि ये जो तीन पेस अटैक है हमारा, शमी, सिराज और बुमराह, ऐसा पेस अटैक टीम इंडिया के पास कभी नहीं रहा है। पर क्या इस वर्ल्ड कप में आपको लगता है कि बाकी जो 9 टीम्स हैं उनके सामने क्या ये पेस अटैक वाकई में सबसे अलग पेस अटैक आपको दिखाई देता है? बिकॉज इसलिए लगता है कि बुमराह का स्टार्ट इतना खतरनाक होता है कि प्रेशर बन जाता है आपका। तीसरा ये है कि सिराज और शमी इस रिदम में आ चुके हैं, खुल गए हैं। एक वर्ल्ड कप का प्रेशर था वो उतर गया, अपने स्पेल का प्रेशर था वो भी उतर गया, अब लेंथ का प्रेशर था वो भी उतर गया, विकेटों का प्रेशर था वो भी उतर गया। अब बॉलर फ्री माइंड के साथ आगे हिटिंग द लेंथ कर रहा है बेसिकली। यार अगर आप थोड़ा सा मुझे 2 मिनट देना, मैं आपको समझाऊं कि शमी को लाया कौन है, बिल्कुल सिराज को लाया कौन है। अच्छा ये दो लड़के अगर रवि शास्त्री लाए हैं या विराट कोहली ने जोर लगाया है या टीम मैनेजमेंट ने जोर लगाया है या हिंदुस्तान बोर्ड ने जोर लगाया है, आप ये मानो तो सही कि यार इनको लाया तो गया है जी, सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। अब बनाया कैसे गया है यार, यहाँ पे अपने रोहित शर्मा की मैं तारीफ करूंगा यार, क्या बात है तुम्हारी यार। आई मीन लाइक ऑनेस्टली मेरे पेशेंट लूज हो जाते सिराज को लेके, लेकिन उसने मेक श्योर किया कि सिराज को मैं खिलाऊंगा। अगर मैं अगला वर्ल्ड कप खेलूं ना खेलूं, सिराज वो बंदा होगा अगला वर्ल्ड कप खेलेगा जी। ये है वो खिदमत जो सिराज की नस्लें भी याद रखेंगी और हिंदुस्तान की तारीख भी याद रखेगी कि सिराज ने शायद फाइनल में 5 आउट कर दिए। वो क्रेडिट शायद रोहित शर्मा को ना जाए, हम समझते हैं एज ए क्रिकेटर कि वो रोहित शर्मा है जिसने जो 2 बॉलर बना के गया
और लोग ये भी याद रखेंगे शामी को आकाश चोपड़ा खिला के गया भाई, तो इसने फितना डाल दिया था कि भाई खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ये बात ठीक है आकाश की, लेकिन यार ये आकाश को बेहतर मालूम है कि एक प्लेयर का होना और प्लेयर का बनना, ये इससे पता एक बंदे के हाथ होता अल्लाह के पास, वो है कप्तान। अगर कप्तान बैक न करे आपको, खुदा की कसम आप कभी प्लेयर नहीं बन सकते। एक्सट्रीम एग्जाम्पल इमरान खान की देता हूँ, इंतजाम को तो सिलेक्टर ने निकाल दिया था भाई, उन्होंने कहा भाई ये पारक प्लेयर कहां से उठा के ले आया, वो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन था, ये वसीम अकरम कहां से ले आए हो, शोएब अख्तर कहां से ले आए हो, ये बात मैं सच कह रहा हूं आपसे, सबने यही कहा था ये कहां से उठा के ले आया, ये वो है जब आ गए। लेकिन यार रोहित शर्मा ने पूरा जोर लगाया कि मैंने नहीं हटाना सिराज को, मैंने नहीं देना शमी को नया बॉल, आज सात आउट कर जाता नया बॉल करता लेकिन लेकिन यार व्हाट अ ग्रेट कैप्टन, व्हाट अ ग्रेट क्रिकेट बाय इंडियन क्रिकेट, व्हाट अ ग्रेट मैनेजमेंट बाय इंडियन टीम एंड थ्रू आउट द मीडिया एंड ऑब्वियसली द ग्रेट नेशन लाइक यू द पब्लिक, आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग, एवरीथिंग इज फॉलोइंग फॉर यू इन अ वन प्लेस एट द राइट टाइम at the Wangate, what else do you want yaar, bilkul bilkul world cup to world cup world cup chahiye bilkul world cup chahiye akash bhai, lekin itni tareef ho rahi hai rohit bhai ki, aur to yahan par thodi si tareef kyunki bowling ki badi tareef ho rahi hai, बैटिंग की भी थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं कि श्रेयस अय्यर के साथ भी उन्होंने जो साथ दिया और वो साथ नहीं छोड़ा, वहां पर भी तो कप्तान टेम्प्ट हो सकता था 100%। सी क्या होता है कि ना जब आप किसी को फटाफट ड्रॉप करते हो, और ये बात शोएब ने भी बहुत बार बोली है कि देखिए किसी को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसको सेलेक्ट करने का कोई कारण होना चाहिए, जब आप उसको ड्रॉप करते हो तो ये सिर्फ उसकी फेलियर नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की फेलियर भी है कि आपने सही बंदा पिक नहीं किया था, तो तभी तो आप इतनी जल्दी उसके इंपेशेंट हो ना कि उसने दो इनिंग्स खराब हुई, आप अपने आप को डाउट करते हो, उसको डाउट करते हो, इसका मतलब अपनी इस जजमेंट को भी डाउट कर रहे हो। तो अगर आपने सोचा कि श्रेयस अय्यर अच्छा है तो यार दो मैच खराब होने से तो वो खराब नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा देखिए अगर क्योंकि ना अपने आप को उन जगह पे डालना बड़ा जरूरी है ये समझने के लिए कि मैं कैसा फील करूंगा, महेंद्र सिंह धोनी क्यों किसी को डांटते नहीं है, वो ना किसी को नहीं डांटते हुए देखते, आप उनको कभी गुस्सा करते नहीं देखते, रोहित शर्मा भी वही फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनसे अगर आप पूछोगे बताएंगे कि ना मैं सबसे अच्छा तब करता हूं जब ना मैं रिलैक्स्ड होता हूं, तो जब मैं रिलैक्स्ड होकर अच्छा कर पाता हूं तो मुझे भी सामने वाले बंदे को रिलैक्स करना है ना, अगर मैं उस पे दबाव डालूंगा जो दबाव मुझे पसंद नहीं है सो वो अननेसेसरी है, तो मैं उसका बेस्ट नहीं ला सकता। और सिमिलरली कि अगर मैं किसी को बैक करता हूं क्योंकि खराब समय मेरा भी गया, मुझे किसी और ने बैक किया था, आज मुझे किसी और को बैक करना है, और अगर वो क्लैरिटी आपके दिमाग में है तो फिर आपको रोक नहीं सकता। और इस कप्तान की इस मैनेजमेंट की देखिए आलोचना आप कर सकते हैं, हम भी बात कर रहे थे कि यार ये जूजी चहल क्यों नहीं, अश्विन क्यों, ऐसी सारी चीजें सबको खुश करना इम्पॉसिबल है, और सही और गलत भी वो सब्जेक्टिव होता है, मुझे गलत लगता हो सकता है सामने वाले को सही लगता हो, लेकिन एज लॉन्ग एज कि आप कन्विंस्ड हो कि मैं ट्रिगर हैप्पी नहीं हूं, फिर मैं इसको ड्रॉप करके फट से इधर फिर उधर टप्पे नहीं खाते रहना, मैंने इधर से उधर मैंने एक बार डिसाइड किया मैं उसके साथ रहूंगा, दैट्स व्हाट रोहित शर्मा इज। बिल्कुल, तो टीम इंडिया इस टाइम पर अनस्टॉपेबल लग रही है, लेकिन हमें द क्रिकेट शो पर एक छोटा सा स्टॉप लेना पड़ेगा, हम 10 बजे वापस आएंगे द क्रिकेट शो पे, बहुत सारी बातें करनी है इंडिया के वर्ल्ड कप के बारे में, आकाश भाई हमारे साथ होंगे, शोएब भाई हमारे साथ होंगे, पर अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। Zee News.